हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी करंट हेयर केयर रूटीन। सो गाइस, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है तब से आप लोगों का एक कमेंट मुझे आता ही आता है कि दी आपके यहाँ बाल बहुत अच्छे हैं, आप क्या यूज़ करते हो, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। रिसेंटली मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में आपसे पूछा था कि मैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाऊँ, तो आप में से बहुत लोगों को कमेंट आया कि आपका हेयर केयर रूटीन क्या है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, और कुछ लोगों को कमेंट आया कि आपके स्किन केयर के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। पहला पार्ट होगा हेयर केयर के ऊपर, दूसरा पार्ट होगा स्किन केयर के ऊपर, और तीसरा पार्ट होगा बॉडी केयर के ऊपर। तो मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ वो सब मैं आपको तीन वीडियो में तीन पार्ट पर दिखा सकूँ। तो आज का वीडियो है हेयर केयर के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हेयर ऑयल के बारे में। तो हेयर ऑयलिंग के लिए मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ उसका नाम है बायोटिक बायो फ्रिजराइज डायबेटिक ऑयल फॉर फॉलिंग हेयर। मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ हेयर ऑयलिंग के लिए, और इसे मैं लास्ट दो महीने से यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा ऑयल है ये, तो इसका सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर है, मैंने इसका फुल रिव्यू किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप उस वीडियो को भी जाकर देखो, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं अपने हेयर को कॉम कर रही हूँ ताकि एक भी टैंगल ना रहे, जो भी टैंगल है वो सारा रिमूव हो जाए, और जब मैं ऑयल लगाऊँ तो ऑयल मेरे स्कैल्प पे अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। और मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है कि किस तरह से आप परफेक्टली हेयर ऑयलिंग कर सकते हो। सो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, और उसमें मैंने शेयर किया है कि किस तरह से आप हेयर ऑयलिंग कर सकते हो ताकि स्कैल्प भी हेल्दी रहे और हेयर ग्रोथ भी हो। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी जाके देख सकते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मैंने अपनी स्कैल्प पे अच्छी तरह से ऑयल लगा रही हूँ मैं, और उसे फिर मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प बस जेंटली मसाज दूंगी अपने स्कैल्प को। मैं लगभग 3 से 4 मिनट ही मसाज दूंगी, और इसके अलावा हमें हमारी हेयर लेंथ पे भी ऑयल लगाना है क्योंकि वो भी हमारी हेयर का ही पार्ट है। अगर हम हेयर लेंथ पे अप्लाई नहीं करेंगे ऑयल तो बाल दो मुही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने एक चोटी बना लिया है, इसे मुझे 3 घंटे रखना है, उसके बाद में शैम्पू कर लूँ। अब बात करते हैं शैम्पू के बारे में। सो गाइस, शैम्पू मैं क्या यूज़ करती हूँ उसको दिखाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं वही प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज इस वीडियो में जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। और मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ वो है ये डव का शैम्पू है, डव एडवांस हेयर सीरीज रीजेनरेटिव रिपेयर शैम्पू। इसे भी मैंने परचेज़ किया था आज से 2 महीने पहले, और ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने ही वाला है, बस 2-3 यूज़ के बाद ये ख़त्म होने वाला है। ये जो शैम्पू है ये मेरे बालों को बहुत अच्छे तरह से सूट करता है, इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ। ये हर्बल शैम्पू नहीं है, ये केमिकल वाले शैम्पू है, आई नो, बट ये मेरे बालों को सूट करते हैं तो मैं इसीलिए इसे ही यूज़ करती हूँ। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। शैम्पू के बाद बारी आती है कंडीशनर की। कंडीशनर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो कंडीशनर भी मैं डव का यूज़ करती हूँ, डव एडवांस हेयर सीरीज रीजेनरेटिव रिपेयर कंडीशनर, सेम कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ। ये कॉम्बो पैक में था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। तो ये जो कंडीशनर है इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ पर देख सकते हो। और इसमें जो प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है 260, दोनों का ही प्राइस यहाँ पर 260 लिखा हुआ है, बट ये बहुत ही ऑफ़र में रहते हैं हमेशा, तो आपको 190 या फिर 190 के रेंज में ही आपको मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर मैं कंडीशनर की बात करूँ तो डव का कंडीशनर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, तो ये कंडीशनर मेरा फेवरेट है। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो तो मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है डव के शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ करके, और अभी मैं एक सूखे टॉवल की हेल्प से अपने बालों को सुखा रही हूँ। प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ वो है ये बायोटिक का माउंटेन इवॉनी सीरम फॉर फॉलिंग हेयर, ये सीरम मैं नेक्स्ट यूज़ करती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बायोटिक का सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये जो सीरम है ये हमें हमारे स्कैल्प में यूज़ करना होता है, इसे हमें हमारे हेयर लेंथ पे यूज़ नहीं करना होता है। स्कैल्प में अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद हमें हमारे फिंगर टिप की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मसाज करनी होती है। मसाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ये जो सीरम है अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। हल्के गीले बालों में हमें इस सीरम को अप्लाई करना है, सूखे बालों में अप्लाई नहीं करना है। मैं इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करूंगी अपनी फिंगर टिप की हेल्प से।
और जो लास्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो है लिवॉन का सीरम। और अभी मैं यहाँ पे लिवॉन का सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये जो सीरम है ये हमें हमारी हेयर लेंथ पे अप्लाई करना होता है, इसे हमें स्कैल्प पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना होता है। जो हमारे हाथों में रेस्ट हो जाता है यानी कि जो बच जाता है उसे आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इसे हमें हेयर लेंथ पे अप्लाई करना होता है। और इसे भी हमें गीले बालों में ही अप्लाई करना होता है। और अभी आप देख सकते हो मैं अपने बालों को कॉम कर रही हूँ। मेरे बाल अभी हल्के हल्के गीले हैं, अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुआ है। और ये जो सीरम है ये मेरा फेवरेट सीरम है, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो गाइस, ये है मेरे सिंपल सा हेयर केयर रूटीन। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन भी नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। बट डेफिनेटली अगर आपका हेयर टाइप क्या है वो आप मुझे कमेंट करना, तो उसके लिए मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। सो बस यही है मेरा शैम्पू एंड कंडीशनर, हेयर सीरम, लिवॉन का सीरम और हेयर ऑयल। बस मैं ये 5 से 6 प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। ये है मेरा हेयर केयर रूटीन के सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं करती हूँ बहुत सारे DIY, और बहुत सारे DIY मैंने अपने चैनल पर शेयर भी किया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, बहुत आपको हेल्प मिलेगी उससे। तो बस यही है मेरी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छी लगी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय।